जय श्री महाकाल। हरिहर। जीवन क्रीड़ा है, पीड़ा नहीं। क्रीड़ा का अर्थ है खेल है। जीवन एक खेल है। कोई किसी प्रकार की अवरोध नहीं या बेचैनी नहीं या कोई पीड़ा नहीं। जीवन समझने से क्रीड़ा है। यदि मानो समझने से ही समाधान होता है मानव को, और समाधान होता है तो पूर्ण रूप से उसके लिए हर क्रिया और घटना खेल है, क्रीड़ा है, पीड़ा नहीं। यदि कोई भी नियम उसने समझ लिया, कोई भी सिद्धांत समझ लिया, तो मानव वहाँ पूर्णतः रूप से समाधान में ही होगा। यदि नियम नहीं पता कोई भी क्रिया और घटना का, और समझ नहीं है उसके बारे में, समझ नहीं है नियम के बारे में, कोई भी क्रिया ले लो या कोई भी घटना ले लो, तो सिर्फ और सिर्फ मानव को समस्या होगी। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि समझना पहले जरूरी है, करना नहीं। करने से आज तक मानव कोई सुखी नहीं हो पाया, न समृद्ध हो पाया। बाहर से कितना भी अमीर बन गया हो, पर अंदर पूरा खोखला है, अंदर पूरी बेचैनी है, अंदर पूरा भय है, मुक्त नहीं हो पाया, स्वतंत्र नहीं हो पाया, फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाया। करोड़पति बन के भी, अरबपति बन के भी, खरबपति बन के भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाया मानो। तो बिल्कुल बात समझेंगे, मानव भय मुक्त नहीं हुआ और भ्रम मुक्त नहीं हुआ। उसको भ्रम है ही, और भ्रमित है और भयभीत है। इससे मुक्त होना है, और इससे मुक्त होने के लिए सिर्फ समझना होगा पहले, और समझने से ही समाधान होगा। ठीक है, पर उलझने से सिर्फ समस्या होगी, पीड़ा होगी, क्रीड़ा नहीं। उलझने से सिर्फ समस्या होती है और सिर्फ पीड़ा ही होगी। याद रखिए, कोई भी चीज़ में आप छोटी छोटी बात में उलझ जाओगे, आप किसी को टोकोगे छोटी छोटी बात को लेके, आपको कोई टोकेगा और आप हिल जा रहे हो छोटी छोटी बात पे। कोई भी आपको, कोई भी काम करने जाओगे और 10 लोग आपको टोकेंगे, या आप टोकोगे किसी को तो भी आप उलझोगे, करोगे तो भी और लोगे तो भी उलझोगे। इसलिए क्या लेना है, क्या ग्रहण करना है, क्या स्वीकृत करना है, ये पहले पकड़ में आ जाए पूरी मानव जाति को, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ उलझता रह जाएगा। उलझता रह जाएगा तो पूरी गांठ बनती चली जाएगी, पूरा ओवरलैप हो जाएगा, पूरा जकड़ जाएगा जंजीरों की तरह, और फिर मानव पूर्णतः रूप से दुखी और दरिद्र में हो जाएगा। और हो ही रहा है, पूरी जनता आज यही हो रही है, पूरी भाग रही है, क्योंकि पूरी जनता भाग रही है इसलिए वो भी भाग रहे हैं, हर मानव भाग रहा है। तो भागने से सिर्फ उलझना होगा, दौड़ने से सिर्फ उलझना ही होगा। मानव को ठहरना होगा, रुकना होगा, वर्तमान में होना होगा, तभी मानव को समझना होगा और तभी समाधान होगा। और नहीं तो सिर्फ काम नाम दाम के पीछे भागता रहेगा मानव, उसके प्रति गति रहेगी और उसके प्रति शक्ति रहेगी। गति में शक्ति तो मिल ही जाएगी, पर शांति
शांति सिर्फ रुक के ही होती है, आंतरिक में ठहर के ही होती है, आंतरिक में ठहरा होना चाहिए मन और बुद्धि और चित्त वृत्ति, ठहरेंगे तभी वो कार्यक्रम आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए उलझने से कोई भी क्रिया और घटना आपके लिए समस्या ही पैदा करेगी, आपके लिए पूरा बवंडर मचा देगी और आप पूर्ण रूप से खाई में गिर जाओगे। ये बात समझ लो, दोनों तरफ खाई है, अच्छे भी तरफ में भी और बुरे तरफ में। तो ज़्यादा अच्छे से भी मत कनेक्ट हो और ना ही बुरे से भी, सिर्फ कनेक्ट होता है सच्चे से, और सच्चा मिल नहीं पाया है। आज पूरी मानव जाति अच्छे के पीछे मोटिवेशन हो रही है, मोटिवेट हो रही है, इंस्पायर हो रही है, एंथुजियाज्म हो रही है, पर होश नहीं है, अटेंशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अवेकनिंग नहीं है। और वो होगी सिर्फ और सिर्फ ठहर के, एकाग्रता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक, पेशेंस रखना होगा। और रुकने के लिए पेशेंस चाहिए, रुकने के लिए तो पेशेंस चाहिए ही। यदि मानव में पेशेंस नहीं है, फिर ये शरीर यात्रा मानव के लिए नहीं है। अगली शरीर यात्रा देखना, और उसमें क्या होगा क्या नहीं, मानव बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, देखेंगे तब। पर अभी जो मानव मिला है, प्राप्त हुआ है, उसको पूरा गवा दे रहा है, बहा दे रहा है, भूल जा रहा है। तो क्योंकि उसने बड़ा पकड़ा ही नहीं है, बड़ा तो सिर्फ पैसे ही पकड़ा उसने, और बड़े लोग पकड़े। अभी असली बड़ा चीज तो पकड़ नहीं पाया, अच्छे और बुरे चीज को पकड़ पाया, सच्चा पकड़ ही नहीं पाया मानो, आज तक नहीं पकड़ पाया, जन्मों जन्मों से नहीं पकड़ पाया, सालों सालों से नहीं पकड़ पाया। तो क्या होगा मानव का, भ्रम और भय में जाने वाला है। क्या है, बाहर से बहुत मजाकिया दिखेगा, अंदर उतना भय, क्योंकि हमने बोला मजाक का अंत, तो मजाक का अंत से भय है, मस्ती का अंत से भय। यदि सिर्फ मानो उसी में फंसा रह जाएगा, इसलिए आनंद में आना। आनंद इज टोटली डिफरेंट, इट इज गोइंग टू बी मोर पीसफुल, देर इज नो फ्रस्ट्रेशन एंड इरिटेशन, एंड देर इज नो फ्लक्चुएशन एट ऑल, वेरी स्मूथ। मस्ती में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा एग्रीटेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्रेसिव हो जाएगा, ये ओवर डिप्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात क्लैरिटी में आ जाए कि वो एक स्मूथ में आ जाए मानो, और वो सिर्फ होगा होगा सिर्फ समझने से। इसलिए समझना ही समाधान है, और उलझना समस्या है, पीड़ा है। इसलिए कभी भी आप उलझेंगे छोटी छोटी बात को लेकर, मत उलझिए। कोई भी आपको टोकता है, बोलता है, और आप भी किसी को न टोकें छोटी छोटी बात को लेकर कि वो वहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। आप ये जितना करोगे उतना ज़्यादा अशांत हो जाओगे, याद रखना, उतना ज़्यादा। आप भले किसी की कितनी भी गलती निकाल ले रहे हो, कितनी अच्छी गलती निकाल दे रहे हो, आप फंस जाओगे जंजाल में, याद रखना। और आप सोचते कि हम बहुत बड़े डायग्नोस्टर हैं, ऐसा मत सोचना कि हम बहुत बड़े चेक पॉइंटर हैं, हम बहुत बड़े अच्छे चेकर हैं, चेक करने वाले इंस्पेक्टर हैं। तो इंस्पेक्टर नहीं बनना, ना ही इंस्पेक्शन बन करना है, क्योंकि इंस्पेक्शन जितना करोगे, और जो कोई भी व्यक्ति इंस्पेक्शन करेगा, तो सिर्फ वो दुखी होने वाला है। ये बात समझ लें, ठीक है जी। इसलिए सिर्फ समझना है, और समझना ही समाधान है, और समाधान के बाद ही फिर
मानव की समृद्धि होगी, फिर उपकार के आगे में बढ़ेगा आगे। यही करना है पूरी मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।